नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर शाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम पीडीएफ फाइल को कैसे एडिट कर सके। आज की डेट में हर जगह आप देखोगे, हर डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ दिखेगा। अगर उसमें कोई भी थोड़ा सा भी चेंजेस करना है तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप पीडीएफ फाइल को बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे हम पीडीएफ फाइल को वर्ड एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट्रो प्रो सॉफ्टवेयर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसी सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे हम किसी पीडीएफ फाइल को आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको नेट्रो प्रो इंस्टॉल करना बताया हूँ। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इस पर उसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं आपको एक पीडीएफ फाइल ओपन करके उसको एडिट करके बताता हूँ। तो मैं एक यहाँ से पीडीएफ फाइल ले लेता हूँ। फाइल में गया, मैं ओपन में गया और एक पीडीएफ फाइल ले लिया मैंने। इसको मैं ओपन कर लिया, अब इसको एडिट करके बताता हूँ। तो मेरे को यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, इस एडिट में जाना है। अब एडिट में जाने के बाद इस एडिट बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देख रहे होगा एक कर्सर मूव हो रहा है मेरे साथ, जहां भी टिप टेक्स्ट। अब जिस भी चीज को मेरे को एडिट करना है उस पर क्लिक करना है। सपोज मेरे को ये इंडियन इंस्टीट्यूट हटाना है, यहाँ से इंस्टीट्यूट हटाना है, इसकी जगह कुछ और डालना है। ये बस यहाँ पर जाऊंगा, मैं इसको ये कर दो, इसकी जगह मैंने डाल दिया मान लो टेक्नोलॉजी। देखिए कितने आसानी से हो गया। अब सपोज मेरे को यहाँ से ये नंबर हटाना है, इसकी जगह कुछ और नंबर डालना है। ये देखिए कुछ भी हटाना है बहुत आसानी से। सपोज ये एड्रेस चेंज करना है मेरे को यहाँ से, ये देखिए, तो मैं बहुत आसानी से कोई भी चीज एडिट करके नया कर सकता हूँ। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी भी पीडीएफ फाइल को बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से हम सेव पर क्लिक करेंगे, वो फाइल सेव हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक से ज्यादा अगर हमारे पास पीडीएफ फाइल है उसको हम सिंगल फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर शाला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर शाला।